अस्सलाम वालेकुम, आप नॉलेज विद माही यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में ऑनलाइन पैसे कमाने के पांच ऐसे तरीके बताए गए हैं जो पाकिस्तान में रहने वालों के लिए 100% प्रैक्टिकल हैं। आप कोई भी बआसानी घर बैठे पैसे कमा सकता है, चाहे आपने कभी ऑनलाइन काम किया हो तब भी, और अगर नहीं किया तब भी। वो कैसे, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताते हैं कि ये काम स्टार्ट कर लें तो हम इतने पैसे कमा सकते हैं, मगर जब वो हम पूरी वीडियो देख लेते हैं उसके बाद हमें समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। मगर इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि जो भी तरीके आपको बताए जा रहे हैं इसमें कामयाबी शर्त है, मगर इसके लिए आपका पेशेंस और कंसिस्टेंसी भी शर्त है, यानी कि आपकी एक सब्र और मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आपकी होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि शॉर्टकट से हम कुछ दिनों में लाखों रुपए कमा लेंगे तो इस वीडियो से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आपको इसीलिए शुरू में कहा कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से ही आप मेहनत करके चंद महीनों में लाखों भी कमा सकते हैं। नंबर वन में हम बात करते हैं पैसिव इनकम की, यानी कि कोई ऐसा काम जिसे हम करके छोड़ दें और वो पैसे कमा के हमें देता रहे। मिसाल के तौर पर YouTube की बात कर लेते हैं। YouTube चैनल, जैसे कि हमारा एक चैनल है और हम अपने चैनल पे वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते हैं, और हम जो है जब वीडियोस अपलोड कर देते हैं तो वो जब तक हमारा चैनल रहता है और वीडियोस चलती रहती हैं, लोग देखते रहते हैं, व्यूअरशिप आती रहती है, तो वो हमें हमारी जो वीडियो है वो पैसे जनरेट करके देती रहती है। YouTube पे हम एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। एक तो जो है हमारी वीडियो अपलोड होते ही हमारी वीडियो में एड लग जाते हैं गूगल की तरफ से, तो उससे हमें जो है वो इनकम आनी शुरू होती है। सेकेंडली, हम अपनी जो वीडियोस हैं अपनी वीडियोस पे हम स्पॉन्सर ले सकते हैं, हम उस पर एड लगवा सकते हैं, ठीक है। या हम अगर कोई अपनी हम अपना कोई काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो हम उसका भी एड लगा सकते हैं ताकि जो है हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे सकते हैं, वीडियो में हम जो है वो स्ट्रिप चला सकते हैं, तो इसके थ्रू भी जो है हमारा पैगाम लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। बस YouTube के लिए आपने ये बात याद रखनी है हमेशा कि जब भी आप वीडियो बनाएं तो आपकी अपनी क्रिएशन होनी चाहिए, यानी कि किसी की वीडियो को भी आपने रीअपलोड नहीं करना है, वरना आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होता और उस पर स्ट्राइक आ जाती है। तो YouTube की जो है आपने कम्युनिटी गाइडलाइन को भी अकॉर्डिंगली लेके चलना है, यानी कि आपकी जो वीडियो है वो फिरका वारियत पर ना हो, नफरत ना फैलाती हो, गंदी ना हो, ठीक है, फैमिली उसको देख सकती हो, ताकि उस पर जो है वो अच्छे व्यूज आते हैं, उसके बाद उस पर फिर एड भी लगते हैं और उससे आप अर्निंग करते हैं। इसी सिलसिले में जो है मैं आपको एक पूरी प्लेलिस्ट देने लगी हूँ इंशाल्लाह, उसमें A to Z जो है आपको चैनल बनाने से लेकर वीडियो अपलोड करना, क्रिएट करना, एडिट करना, वो सब कुछ बताऊंगी मेरी आने वाली वीडियो में। आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपने जो है वो ऐसी वीडियो बनानी है जिस पर जो है लोग क्लिक करें और क्लिक करके बंद ना कर दें फौरन, ताकि आपको वॉच टाइम नहीं मिलेगा। वरना आपने टॉपिक ऐसे उठाने कि जो लोग देखना चाहते हैं तो आपको जो है उसका वॉच टाइम भी मिले। आपने इस तरह के टॉपिक लेने ताकि लोग आपकी वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि आप जो है वो किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप इसमें परेशान ना हो। आप YouTube के सर्च बार में लिखेंगे कि हाउ टू रैंक हाई इन YouTube सर्च टॉपिक वीडियोस, तो आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोस आ जाएंगे। आप उसको चेक करें, देखें और उनमें से टॉपिक निकालें और अपनी क्रिएशन से अपनी वीडियो अपलोड कीजिए। नंबर दो में हम बात करेंगे फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी जैसे शटर स्टॉक हो गया, गेटी इमेजेस हो गई, यानी कि ऐसी पिक्चर्स या वीडियो जिन पर वाटरमार्क लगा हुआ होता है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ कुछ वीडियोस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इन पे वाटरमार्क लगा हुआ होता है पिक्चर्स पे और वीडियो पे, तो वो हमें परचेज करनी होती है। असल में ये सेल होती है पिक्चर्स, तो नेट पर लाखों MGs होते हैं और वो जो है वो बिकते रहते हैं, यानी कि और इसके बदले में, यानी कि अगर कोई तस्वीर आपकी सेल हो जाती है तो उसको आपको 18 से 25 सेंट मिलते हैं, यानी कि समझ लें कि 25 से 40 रुपए, और अगर कोई वीडियो आपकी सेल हो जाती है तो $62 से $79 तक आपको मिलते हैं। वीडियो की लेंथ जो है वो 5 सेकंड से 1 मिनट तक होनी चाहिए, और शटर स्टॉक वगैरह पे आप देखेंगे तो 15 सेकंड से 11 सेकंड इसके बीच जो है वो इतनी ही वीडियो होती है, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो आपको नहीं मिलती। आपके पास अगर कोई आइडियाज़ हैं तो आप उसको जो है ना शूट करके क्लिप बना के उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। बस आपने एक बार अपलोड करनी होती है, चाहे वो पिक्चर हो जाए चाहे वो आपकी वीडियोस हो जाए, और जैसे ही वो सेल होगी तो उसके पैसे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये गूगल पे काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिन्हें आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। कुछ वेबसाइट के लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं।
कि टॉप 10 फोटोज जो है वो सेलिंग वेबसाइट कौन सी हैं। आप गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने जो है वो बता देगा गूगल, काफी सारी वेबसाइट खुल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन शटरस्टॉक, तो आप जो है वो आपके सामने एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी, वो आपको अकाउंट बनाने के भी तरीके उसमें काफी सारी वेबसाइट बता देंगी, और कौन सी जो है तस्वीरें और कौन सी वीडियो जो है वो ज्यादा सेल होती हैं ये भी आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ फोटो सेल द मोस्ट, तो आपके सामने काफी सारी जो है वो वीडियोस और पिक्चर्स आ जाएंगी, तो आप उनसे भी आइडिया कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है फोटोग्राफी से अर्न करने का। नंबर 3 में हम बात करेंगे वेबसाइट क्रिएट की। वेबसाइट आपने अपनी बनानी है, उसके बाद आपने अपना आर्टिकल बनाना है और अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज करवाना है। मगर आप कहते हैं जैसे कि अगर हमें वेबसाइट बनानी नहीं आती तो हम क्या करें, तो वेबसाइट जो है आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई इतना मुश्किल काम है। अगर आप वेब डिजाइनिंग भी ज्यादा नहीं सीख सकते तो कुछ हद तक आप वेब डिजाइनिंग सीखें, और नेट पर जो है वो फ्री डाउनलोड वेब टेम्पल्स मिल जाते हैं, तो बस आपने उसको सीखना होगा। उसमें इमेजेस कैसे लगाते हैं, टैग कैसे लगाते हैं, टाइटल कैसे चेंज होते हैं, ये थोड़ा बहुत काम आपको सीखना होगा। और इसमें कोटिंग जो है वो आपको करनी आनी चाहिए, तो अगर आपको कोटिंग नहीं कर सकते तो उसका भी तरीकेकार मौजूद है, यानी कि जब भी आप वेबसाइट का नाम परचेज करते हैं तो उसके साथ ही कुछ डॉलर के एवज आप वेबसाइट बिल्डर की सहूलत हासिल कर लेते हैं। उससे ये होता है कि उस आपको कोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि वेब बिल्डर जो है आप यूं समझ लें कि पेंट की तरह काम करता है, यानी कि आप डब्बों और टैक्स वगैरह को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से डिजाइन चेंज कर सकते हैं, ये एक आसानी हो जाती है आपके लिए। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने एक अपनी वेबसाइट बनानी है, उसके लिए आर्टिकल लिखना है, और जब आपकी वेबसाइट पर विजिटर पढ़ने आने लगे तो आपने गूगल पे जाकर गूगल एडसेंस और media.net पर जाकर एड के लिए अप्लाई करना है। नंबर 4 में हम बात करेंगे एफिलिएटेड मार्केटिंग की। ये भी वेब मार्केटिंग का तरीका है। जैसे आप जो भी काम करते हैं, जस्ट लाइक आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, आप काउंसलिंग करते हैं, आप कपड़े बेचते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो आप उसकी जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारे पास फ्री साइट दी हुई होती हैं, जैसे ओलेक्स है, ठीक है, उसके बाद आपकी bole.com है, पिंटरेस्ट है, इस पे आप जो है अपनी प्रोडक्ट को डाल देते हैं और वहां से लोग जो है अपनी जरूरत के मुताबिक जो लोग चीजें सर्च करते हैं वो देखते हैं और आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट का जिक्र किया हुआ होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि वेबसाइट पे जब आपके लोग विजिटर आने शुरू हो जाएं तो आप गूगल से एड ले सकते हैं। तो ये जो विजिटर हैं वो इसी तरह से आते हैं कि जब आप मार्केटिंग करते हैं अपनी वेबसाइट की, तो जो भी लोग जो आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, अगर आपने वेबसाइट का लिंक दिया है तो वहां पे आपकी प्रोडक्ट देखते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट नंबर आपके जो दिए हुए होते हैं उनसे रब्ता करते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो सेल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ फ्री साइट हैं और जो है वो कुछ साइट जो है आपसे आपकी प्रोडक्ट सेल होने के बाद आपसे कुछ कमीशन रखती हैं, जैसे कि daraz.com हो गई, जैसे alibaba.com है, amazon वगैरह है। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि घर बैठे लोग जो है इनसे चीजें ऑर्डर करते हैं और जो भी लोग इस पे जो है अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं उसका कुछ एवज जो है कमीशन वो वेबसाइट्स रखती हैं और बाकी जो है वो आपको आपका पैसे मिल जाते हैं। तो आप देखें कि किसी इलाके या शॉप में कोई लिमिटेड लोग जो है आपकी शॉप पे विजिट करते हैं, जबकि ऑनलाइन में आप घर बैठे लाखों लोगों को टारगेट कर सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 5 में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग की। इसमें आप जो है लोगों के लिए काम करते हैं, यानी कि कंपनी जो है वो आपको टारगेट देती है और वो टारगेट पूरा करने पर ही आपको पैसे मिलते हैं। ये सारा कुछ भी वेबसाइट के थ्रू होता है। चंद वेबसाइट के लिंक जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाए हैं और कुछ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। आप उनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे लिखेंगे फ्रीलांसिंग कंपनी तो आपके सामने बहुत सारे फ्रीलांसिंग कंपनी के ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि आप किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि आप इसमें एक अकाउंट क्रिएट करें और इन आपकी हेल्प के लिए इनकी टीम जो है ऑनलाइन मौजूद होती है, तो आप उससे बात करके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको कुछ टारगेट देते हैं, टारगेट पूरा होने के बाद ही आपको उसका मुआवजा मिलता है। इनकी वेबसाइट पर जिन लोगों ने काम किया होता है आप उसके रिव्यूज भी देख सकते हैं, उसमें उन्होंने डिटेल बताई भी होती है कि किसने कितने पैसे जो है वो अर्न किए हैं और कितना कितना टारगेट लोगों ने पूरा किया है। अगर आप मजीद पैसिव आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको काफी ज्यादा आइडियाज जो है वो मिल जाएंगे। साथ साथ जो है जो लोग वेबसाइट का, तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं,
और एक लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर जो लोग जो है इस वबा की वजह से परेशान हैं, जॉबलेस हो चुके हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए कारामद है, क्योंकि उस वीडियो में जॉब ऑफर हो रही है। कैसर खान साहब के चैनल से मैंने उस वीडियो का लिंक आपको दिया है, और लास्ट मैंने उनके साथ एक डिस्कस की थी, एक मेरा इंटरव्यू था कनाडा के हवाले से जो मैंने सवालात किए थे, वो भी लिंक मैंने आपको दे दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, उसमें तमाम डिटेल वीडियो में बताई गई है कि किस तरह से जॉब अप्लाई होगी और कहाँ आपने रابطہ करना है, क्या होगा, वो सारा कुछ आप वहाँ से देख के उसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।